नमस्कार, मैं राजा कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में। दोस्तों यहां पे हम बात करने वाले हैं पीकेएल सीजन 10 का मैच नंबर 95 जो कि खेला जाएगा बंगाल वॉरियर्स वर्सेस हरियाणा स्टीलर्स के बीच में, उसको लेके हम डिटेल्स में देखेंगे परखेंगे फिर हम बात करेंगे अपनी फैंटेसी टीम को लेके। अगर रिसेंटली रिजल्ट को लेके बात कर लेंगे, पीयर फैमिली ने ना सिर्फ स्मॉल लीग मिनी जीएल में भी अच्छा रैंक दिया हुआ है, आपके सामने दिख जाएंगे तेलुगु वर्सेज बंगाल वाले मैच जहाँ पे हम लोगों ने मेगा जीएल में रैंक 1 दिया हुआ था। फिर आपको देखने को मिल जाएंगे हरियाणा वर्सेस तमिल तेलेवा के मैच, वहां पे भी हम लोगों ने मेगा जीएल में रैंक 1 दिया हुआ है। फिर आपको देखने को मिल जाएगा हरियाणा वर्सेस जयपुर वाले मैच, वहां पे 49 रुपीज के कंटेस्ट में हम लोगों ने 14,70,000 रुपीज विन किए थे। फिर आपको दिखेंगे यहाँ पे बेंगलुरु बुल्स वर्सेज तमिल तेलेवा के मैच, यहाँ भी हम लोगों ने 49 रुपीज लगा के रैंक 1 दिया हुआ था जहाँ पे हम लोग जीते थे 2,16,000 रुपीज। तो इस मैच में कौन कौन सी पेंत्रा यूज करेंगे उसको लेके हम यहाँ पे डिटेल्स में बात करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा स्टार्टिंग सेवन आने के बाद अगर हमारे टीम में कुछ भी फेरबदल होंगे उसका अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, चले जाना इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में, वहां पे जाने के बाद आपको सबसे टॉप कमेंट में देखने को मिलेगा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसके ऊपर क्लिक करके सभी भाई को टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन कर लेने हैं। और मेरे दोस्त अगर आप लोगों में से अभी भी कोई भाई ऐसे हैं जिन्होंने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो किस बात की देरी है, अभी कभी टाइम निकालिए और सबसे पहले YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अब भाई हम मैच को लेकर बात करते हैं, दोनों टीम आमने सामने आई है 9 बार जहां पे 1 बार जीती है बंगाल वॉरियर्स, 8 बार जीती है हरियाणा स्टीलर्स। अगर हम बात करेंगे लास्ट हेड टू हेड मैच को लेकर तो बंगाल के 35 पॉइंट थे, हरियाणा के 41 पॉइंट थे। बेस्ट पिक बेस्ट ऑन हेड टू हेड मोहित खेलर, मोहित नांदल, नितिन कुमार और शुभम सिंधे। अगर हम बात करेंगे लास्ट हरियाणा के मैच में क्या हुआ था तो हरियाणा लास्ट मुकाबला दबंग दिल्ली केसी के साथ हार के आ रही है जहां पे इनके 18 रेड पॉइंट थे, 0 सुपर रेड, 11 टैकल पॉइंट, 2 ऑल आउट पॉइंट, 1 एक्स्ट्रा पॉइंट। इस मैच में अगर बात कर लेंगे प्रदर्शन को लेकर, सिद्धार्थ देसाई 8 रेड टच 3 बोनस, मोहित 4 टैकल पॉइंट, उसके अलावा विनय 2 रेड टच 1 टैकल 1 बोनस, आशीष 1 रेड टच 2 टैकल पॉइंट, शिवम पात्रे 3 रेड टच, जयदीप 2 टैकल पॉइंट, राहुल सतपाल 2 टैकल पॉइंट, बाकी किसी ने कुछ भी नहीं किया था। हरियाणा का प्रदर्शन इस सीजन 15 मैच के लिए 8 जीती है, 6 हारी है, 1 टाई। अब भाई हम बात करते हैं हरियाणा की स्टार्टिंग सेवन क्या हो सकती है, आपको दिख जाएंगे सिद्धार्थ देसाई, ये नॉर्मली आपको दिखेंगे 80-85% टाइम लेफ्ट के साइड से रेडिंग करते हुए, 15-20% टाइम आपको दिखेंगे राइट के साइड में रेडिंग करते हुए। मोहित नंदल दिखेंगे राइट कवर पे, लेफ्ट कवर पे दिखेंगे जयदीप, आशीष दिखेंगे आपको कभी राइट इन पे कभी लेफ्ट इन पे, विनय को लेके बात कर लेंगे ये आपको दिखेंगे राइट रेडर, राहुल सतपाल दिखेंगे राइट कॉर्नर पे और मोहित दिखेंगे आपको लेफ्ट कॉर्नर पे। अब ध्यान रखिएगा मोहित का अगर दिन अच्छा नहीं होता है तो कोच साहब यहाँ पे लेके चले जाएंगे नवीन कुंडू को, बाकी इनके अलावा आपको दिख जाएंगे बेंच पे सनी हर्ष, उसके अलावा जी मागर, शिवम पात्रे, तेजस पाटिल और मोनू हुड्डा। भाई हम बात करते हैं हरियाणा के प्रदर्शन प्लेयर का पीकेएल सीजन 10 में किसका क्या है। राहुल सतपाल 15 मैच में 52 पॉइंट्स निकाले हैं और 66% टैकल इनका सक्सेसफुल है। सिद्धार्थ देसाई 11 मैच में 49 पॉइंट निकाले हैं, 56% रेड इनका सक्सेसफुल है। मोहित नांदल 15 मैच में 47 पॉइंट्स निकाले हैं, 20% रेड और 48% टैकल इनका सक्सेसफुल है। विनय 15 मैच में 105 पॉइंट निकाले हैं, 43% रेड और 20% टैकल इनका सक्सेसफुल है। जयदीप 15 मैच में 48 पॉइंट निकाले हैं, 53% टैकल इनका सक्सेसफुल है। आशीष 11 मैच में 24 पॉइंट निकाले हैं, 11% रेड और 50% टैकल इनका सक्सेसफुल है। मोहित खेलर 14 मैच में 27 पॉइंट निकाले हैं और 37% टैकल इनका सक्सेसफुल है। अब दोस्तों आइए हम बात करते हैं बंगाल को लेके, बंगाल इस सीजन खेली है 15 मैच जीती हैं, 6 हारी हैं, 7-2 खेली हैं ट्राई, लास्ट मुकाबला पटना के साथ वन साइडेड हार के आ रही है जहां पे इनके 19 रेड पॉइंट थे, 1 सुपर रेड, 6 टैकल पॉइंट, उसके अलावा 2 ऑल आउट पॉइंट, 1 एक्स्ट्रा पॉइंट। इस मैच में नितिन कुमार 6 रेड टच 4 बोनस लाए थे, मनिंदर सिंह 3 रेड टच 1 बोनस, शुभम सिंधे 4 टैकल पॉइंट, विश्वास 1 रेड टच 3 बोनस, आदित्य सिंधे 1 टैकल, वो भी इनका सुपर टैकल था, गर्जे साहब 1 टैकल, बाकी किसी ने कुछ भी नहीं किया था। अब आइए हम बात करते हैं बंगाल की स्टार्टिंग सेवन क्या होंगी, आपको दिख जाएंगे मनिंदर सिंह राइट रेडर, उसके अलावा गर्जे दिखेंगे राइट कवर पे, जसकीरत दिखेंगे लेफ्ट कवर पे, उसके अलावा एम गर्जे आपको दिखेंगे राइट रेडर है। ध्यान रखिएगा पिछले मैच में इंजर्ड हो गए तो इनकी जगह पे एस विश्वास को लाया गया था, बाकी श्रीकांत यादव को लेकर कोई भी अपडेट्स अभी तक नहीं आया है। नितिन कुमार आपको दिखेंगे राइट रेडर, शुभम सिंधे राइट कॉर्नर, आदित्य सिंधे लेफ्ट कॉर्नर। अगर हम बात कर लेंगे सब्स्टिट्यूट लिस्ट में आपको दिख जाएंगे एस विश्वास, हर्ष लॉर्ड, दीपक अर्जुन, उसके अलावा आपको दिख जाएंगे चैंग, कपिल गुर्जर, अक्षय कुमार और प्रशांत कुमार। अब आइए हम बात करते हैं बंगाल वॉरियर्स के प्लेयर का प्रदर्शन पीकेएल सीजन 10 में किसका क्या है। शुभम सिंधे 15 मैच में 54 पॉइंट्स निकाले हैं, 53% टैकल इनका सक्सेसफुल है। नितिन कुमार 13 मैच में 103 पॉइंट्स निकाले हैं, 51% रेड इनका सक्सेसफुल है। वैभव गर्जे 15 मैच में 35 पॉइंट निकाले हैं, 42% टैकल इनका सक्सेसफुल है। मनिंदर सिंह 14 मैच में 124 पॉइंट निकाले हैं, 64% रेड इनका सक्सेसफुल है। जसकीरत सिंह 7 मैच में 9 पॉइंट्स निकाले हैं, 32% टैकल इनका सक्सेसफुल है। एम गर्जे 2 मैच में अभी तक खाता नहीं खुला है। फिर आदित्य सिंधे 13 मैच में 25 पॉइंट निकाले हैं, 35% टैकल इनका
सक्सेसफुल है। अब आइए हम बात करते हैं बेस्ट कैप्टन वीसी का मटेरियल इस मैच में कौन कौन होंगे। मोहित नंदल, मोहित खेलर, शुभम सिंधे और नितिन कुमार। अब दोस्तों हमारे वीडियो का सबसे इंपोर्टेंट सेक्शन में से एक, मैच पे जानेंगे कौन सा रेडर किस डिफेंडर के पास जाएंगे और कौन से डिफेंडर को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा टैकल करने का। तो हम पहले बात कर लेंगे यहाँ पे हरियाणा स्टीलर्स के जो रेडर हैं वो किस डिफेंस के पास जाने वाले हैं बंगाल वॉरियर्स का। तो बंगाल वॉरियर्स के रेडर से पहले हरियाणा के डिफेंडर का पोजीशन जानते हैं, तो आपको दिख जाएंगे राइट कॉर्नर खेलते हुए राहुल सेतुपाल, नाम तो सुना ही होगा। फिर अगर हम बात कर लेंगे लेफ्ट कॉर्नर पे, आपको यहाँ पे दिख जाएंगे खेलते हुए जयदीप। उसके बाद अगर हम बात कर लेंगे इनके लेफ्ट कॉर्नर पे, तो आपको दिख जाएंगे यहाँ पे मोहित खेलर या फिर नवीन कुंडू में से कोई एक। फिर अगर हम बात कर लेंगे राइट कॉर्नर पे, आपको दिख जाएंगे कैप्टन मोहित नांदल। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पे इनके पास एक ही लेफ्ट रेडर है जिसका नाम है कौन, श्रीकांत यादव, और वो मुझे लग रहा है कि शायद वो अनफिट हैं। तो अगर वो अवेलेबल नहीं होंगे तो मनिंदर सिंह हो या फिर एम गर्जे हो या फिर आपको दिख जाएंगे यहाँ पे कौन, नितिन कुमार, या फिर एज एन सब्स्टिट्यूट आपको दिख जाएंगे एस विश्वास। सारे के सारे राइट रेडर होंगे, वो जाएंगे मोहित खेलर के पास लेफ्ट कॉर्नर, फिर राइट कवर पे यहाँ पे जाएंगे किसके पास, मोहित नांदल के पास, फिर जाएंगे राहुल सतपाल के पास। उस कंडीशन में जयदीप का यूज ना के बराबर होगा, लेकिन हाँ अगर इनके पास खेलते हैं श्रीकांत यादव तो वो जाएंगे लेफ्ट के साइड से रेडिंग, वो जाएंगे राहुल सतपाल के पास, फिर जाएंगे जयदीप के पास, फिर जाएंगे मोहित खेलर के पास। तो मोहित खेलर के पास जो है फिर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी तो रहेगा ही, लेकिन सबसे बड़ी बात जयदीप के पास यहाँ पे अपॉर्चुनिटी अच्छा खासा क्रिएट हो जाएगा। तो जयदीप कैसा पिक होगा वो कंप्लीटली डिपेंड करने वाला है श्रीकांत यादव के ऊपर। तो मैंने आपको बता दिया बंगाल के जो रेडर हैं वो किस डिफेंडर के पास जाने वाले हैं हरियाणा स्टीलर्स का। अब हम बात कर लेते हैं हरियाणा के रेडर किस डिफेंडर के पास जाने वाले हैं बंगाल वॉरियर्स का। तो हम पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे बंगाल वॉरियर्स के डिफेंडर का पोजीशन। आपको दिख जाएंगे राइट कॉर्नर खेलते हुए कौन, एसएस बोले तो शुभम सिंधे, और फिर आपको दिख जाएंगे लेफ्ट कवर खेलते हुए जसकीरत सिंह, फिर आपको दिख जाएंगे खेलते हुए लेफ्ट कॉर्नर पे आदित्य शिंदे, और आपको दिख जाएंगे राइट कवर खेलते हुए वैभव गर्जे। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, इनका जो मेन रेडर होगा वो होगा विनय। विनय करता है राइट के साइड से रेडिंग, वो जाएगा यहाँ पे आदित्य शिंदे के पास, फिर जाएगा गर्जे के पास, फिर जाएगा शुभम सिंधे के पास। तो कहीं ना कहीं इनका जो सामने वाली टीम है बंगाल वॉरियर्स, उनका राइट का डिफेंस मुझे मजबूत दिख रहा है एज कम्पेयर टू लेफ्ट। तो ये लोग इस मैच में जो है अच्छे खासे यूटिलाइज करेंगे सिद्धार्थ देसाई का भी। ये एक लेफ्ट रेडर है, अधिकांश टाइम ये लेफ्ट के साइड से रेडिंग करेंगे, और ये जाएंगे किसके पास, ये जाएंगे शुभम सिंधे के पास, फिर जाएंगे जसकीरत के पास, फिर जाएंगे आदित्य शिंदे के पास। इनके पास एक और बेहतरीन लेफ्ट रेडर होगा कहाँ पे, सब्स्टिट्यूट लिस्ट में, जिसका नाम है एस पात्रे, और वो आपको दिखेंगे लेफ्ट के साइड से रेडिंग करते हुए, वो आएंगे ही, आप ये मान के चलो सेकेंड हाफ में उनको आना ही है। तो वो जाएंगे एस पात्रे यहाँ पे शुभम सिंधे के पास, फिर जाएंगे जसकीरत के पास, फिर जाएंगे आदित्य शिंदे के पास। इनके पास स्टार्टिंग सेवन में एक ऑलराउंडर है जिसका नाम है आशीष, वो राइट के साइड से रेडिंग करेंगे, वो जाएंगे यहाँ पे आदित्य शिंदे के पास, फिर जाएंगे गर्जे के पास, फिर जाएंगे शुभम सिंधे के पास। अब दोस्तों आइए हम बात करते हैं अपनी फैंटेसी टीम को लेके। मैंने आपको मैच की नॉलेज दे दी, स्टैट्स को लेके सारी जानकारी दे दी, एनालिसिस बता दी, और उसके अकॉर्डिंग आप खुद से भी बेहतरीन फैंटेसी का टीम बना सकते हो। फिलहाल जो मैंने टीम बनाया वो मैंने हरियाणा स्टीलर्स को फेवरेट मानते हुए अपना टीम तैयार किया हुआ है, जहां पे मेरे टीम में शुभम सिंधे, सतपाल, मोहित खेलर, ऑलराउंडर से है मोहित नांदल, फिर मेरे रेडिंग में दिख जाएंगे मनिंदर सिंह, सिद्धार्थ देसाई और विनय। कैप्टनसी की बार मैंने सौंपे हैं मोहित नांदल के ऊपर, वीसी मैंने दिया मोहित खेलर के ऊपर। ध्यान रखिएगा ये दोनों कैप्टन वीसी हमारे तभी होंगे जब श्रीकांत यादव नहीं खेलेंगे, उस कंडीशन में सारा का सारा रेड जो है वो राइट के साइड से होगा। तो राइट कवर मोहित नंदल और लेफ्ट कॉर्नर मोहित खेलर का जोड़ी यहाँ पे अच्छा खासा पॉइंट आपको लेते नजर आ जाएंगे। बाकी उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय कीजिए, अच्छा खासा विन कीजिए, और समझदारी से मिनी जीएल जरूर ट्राई कीजिए। धन्यवाद।